क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के लिए AI चैटबॉट पर भरोसा करेंगे? जिन लोगों को थेरेपिस्ट नहीं मिल पाते वो शायद ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी दुनिया में हर 8वां इंसान मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। युवा इससे सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन उन्हें ही थेरेपी मिलना सबसे मुश्किल और खर्चीला लगता है। ऐसे में अपने फोन से AI चैटबॉट पर लोग थेरेपी ले सकेंगे। देखिए इसमें हमें कितनी सफलता मिली है। आज बाजार में हजारों मेंटल वेलबींग एप्स मौजूद हैं। इनमें से कई चैटबॉट्स के साथ आते हैं, तो कई में 1-to-1 काउंसलिंग की सुविधा मिलती है। मेक्सिको का याना और भारत का सेहे जैसे एप्स प्राइवेट कंपनियों ने बनाए हैं। वहीं पाकिस्तान के हमराज जैसे कई सरकारी ऐप भी आ गए हैं। इन चैटबॉट्स का मकसद मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जुड़े सवालों का जवाब देना और मदद मुहैया कराना है। कुछ ऐप्स तो नियमित तौर पर अपने यूजर्स के रोजमर्रा की जिंदगी का ख्याल भी रखते हैं। ये वेबसाइट दावा करती है कि इसका AI किसी भी इंसान की नकल कर सकता है और इसके पास अल्बर्ट आइंस्टाइन और इलॉन मस्क के AI वर्जन के साथ साथ AI थेरेपिस्ट भी है। इस वेबसाइट को एक मेडिकल स्टूडेंट ने बनाया है। उसने AI को साइकोलॉजी की बेसिक बातें सिखा दी और फिर उससे अपनी परीक्षा के तनाव के बारे में बातें करने लगा। बाद में दूसरे लोगों को भी इस चैटबॉट के बारे में पता चला और ये लोकप्रिय हो गया। आज ये चैटबॉट हर रोज अपने यूजर्स को 9 करोड़ से भी ज्यादा मैसेज भेजता है। AI थेरेपिस्ट के 3 फायदे हैं। पहला, AI थेरेपिस्ट हमेशा और हर जगह आपके साथ होता है। अगर आपको कभी रात में तेज घबराहट होती है तो खुद को संभालने में ये आपकी मदद कर सकता है। दूसरा, एक थेरेपिस्ट से मिलने के लिए आपको तैयार होकर बाहर जाना पड़ता है। जो लोग पहले से ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से घिरे हैं उनके लिए कई बार ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन AI चैटबॉट से मिलने के लिए आप अपने हिसाब से टाइम और जगह चुन सकते हैं। तीसरा, एक AI थेरेपिस्ट को आपकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्राम किया जा सकता है। कई बार एक मरीज और थेरेपिस्ट के बीच का रिश्ता थोड़ा उलझा रहता है। अगर उनमें तालमेल नहीं है तो थेरेपी का उतना फ़ायदा भी नहीं होता। एक स्टडी में पता चला है कि चैटबॉट उपलब्ध होने पर अल्पसंख्यक समूह के लोगों में मदद लेने की इच्छा काफ़ी बढ़ गई। साथ ही चैटबॉट का इस्तेमाल होने पर एथनिक माइनॉरिटीज़ के 30% से ज़्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए रेफर किया गया। नॉन बाइनरी लोगों के रेफरल तो 180% तक बढ़ गए। नॉन बाइनरी वो लोग होते हैं जो ना तो पुरुष और ना ही महिला हैं। शायद अल्पसंख्यकों को एक चैटबॉट से बात करना ज़्यादा आसान इसलिए लगता है क्योंकि वो आम लोगों की तरह उन्हें जज नहीं करता। AI गलतियां करता है, कई मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। जैसे 2022 में एक थेरेपी ऐप का टेस्ट किया जा रहा था। इस दौरान एक यूजर ने लिखा कि मैं पहाड़ से नीचे कूदना चाहता हूँ। इस पर ऐप ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रख रहे हैं। ज्यादातर AI मॉडलों में सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं, लेकिन वो कई बार फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर AI गलती करता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? असली थेरेपिस्ट को तो सालों की ट्रेनिंग मिलती है, उन्हें अपने काम से जुड़े कानूनों का भी पता होता है। लेकिन AI के मामले में किसी को पता नहीं होता कि इन मॉडलों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। कई ऐप्स तो नियमों से बचने के लिए खुद को मेंटल हेल्थ सर्विसेज की बजाय मेंटल वेलबींग ऐप्स के तौर पर पेश करते हैं। सेहत के मामले में प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी की भी बहुत ज़रूरत होती है। मोज़िला की एक रिसर्च में पता चला है कि 32 लोकप्रिय मेंटल हेल्थ ऐप्स में से 19 ने यूजर्स की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा, यानी उन्होंने यूजर की प्राइवेट जानकारी को सेव किया और कई ने इन्हें विज्ञापन देने वाली कंपनियों को बेच तक दिया। कई स्टडीज दिखाती हैं कि AI थेरेपिस्ट छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। हालांकि रिसर्चर ये भी मानते हैं कि कोई भी AI अब तक असली थेरेपिस्ट की जगह लेने लायक नहीं बन सका है। अगर मरीज और थेरेपिस्ट के बीच अच्छा तालमेल हो तो ऐसी ह्यूमन थेरेपी किसी भी चैटबॉट की तुलना में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ह्यूमन थेरेपिस्ट छोटी छोटी बातों और छिपे हुए संकेतों को पहचानने में माहिर होते हैं। AI के पास ये ताकत नहीं। फिर भी AI मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ये ह्यूमन थेरेपी को और बेहतर बनाने में मदद भी कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में लोग AI थेरेपिस्ट की मदद लेना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए।